हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल कौर बुटीक में। और आज मैं आपको बताऊंगी सिंपल सूट की कटिंग। और इसमें मेरा नाप लेंथ है जो है 45 और चेस्ट से है मेरा नाप 42 और इसका चौथाई हमने कर लिया 10.5 इंच। वेस्ट है हमारी 36 और इसका चौथाई हमने कर लिया 9 इंच। हिप है 44 इंच, चौथाई इसका 11 इंच कर लिया। और ये दोस्तों ये नाप मैंने किसी सूट से लिया है, इसलिए इसे हम इसमें हम लोग लूजिंग नहीं देंगे। अगर हमने बॉडी से नाप लेंगे तब हम लूजिंग देते हैं, और वो आपको मैं बॉडी से नाप लेना वो अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी इस वक्त। और तीरा हमारा 6.5 है जिस नाप का मैं सूट बना रही हूँ। आर्म होल हमने इसका लेना है 7। 6.5 भी ले सकते हैं लेकिन अपनी नीड के अकॉर्डिंग, कोई बहुत टाइट नहीं डालता, तो इसलिए हम इसका ना आर्म होल लेते हैं 7 इंच। फ्रंट नेक है हमारा 7 इंच और बैक भी 7 इंच है। अब आपको मैं कटिंग का तरीका बताती हूँ। सबसे पहले हमने देखना है हिप। हिप हमारी 11 इंच, चौथा हिस्सा 11 इंच आता है हिप का, और हमने 2 इंच हिप ज़्यादा लेनी है। 11 हमारी रेडी है और 2 इंच ज़्यादा 13 इंच। हम यहाँ पे 13 इंच पे पूरे पे निशान लगा लेंगे। और आपको अगर आप प्रेस से, ये कपड़ा मैंने पहले सीधा कर दिया है, आपने भी जिसकी कटिंग करनी है वो कपड़ा आपने प्रेस से सीधा कर लिया। याद रखें इसमें कोई बल ना हो। 11 इंच हमारा तैयार नाप था और उसमें मैंने 2 इंच हिप में ऐड करके 13 इंच पे ये निशान लगा के हमने इस कपड़े को सीधा कर लेना है। अब मेरी जो लेंथ है वो 45 है जिस नाप का मैंने स्टिच करना है। आपने अपने अकॉर्डिंग लेंथ रख लेनी है। अब मैंने ये जो मेरा है, अगर हम प्लेन सूट लेते हैं उसमें हम 2.25 इंच एक्स्ट्रा फोल्डिंग ले, लेकिन यहाँ पे मेरे एक बॉर्डर बना हुआ है तो मैंने बॉर्डर से इसका तैयार नाप लेना है 45 मेरी रेडी लेंथ है और मैंने 1/2 इंच ज़्यादा लेना है। 45 1/2 हो गया। अब मेरा जो तीरा है वो 6.5 इंच है जिस नाप का मैंने बनाना है उसका 95% लोगों का तीरा हम लोग 6.5 इंच ही रखते हैं। 44 इंच के से ज़्यादा जिसकी चेस्ट का नाप होता है उसका तीरा फिर हम थोड़ा बढ़ाते हैं। और आर्म होल हमने 7 इंच। आप स्केल की सहायता ले सकते हैं। 6.5 इंच 6.5 इंच तीरा है हमारा, 6.5 इंच पे हमने ये बॉक्स बना लेना है। एक और हमारा जो कमर का नाप है वो ज़्यादातर हम लोगों 14 इंच पे ही ये सभी लोगों को होता है। अगर किसी की हाइट बहुत ज़्यादा है तो वो 14.5 इंच पे ले सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये लोग ये 14 इंच पे ही होता है। और हमारी कमर जो थी, हमारी वेस्ट हमारी 36 इंच राउंड थी और इसका चौथाई हमने 9 इंच लेना है। 9 इंच हमारा तैयार नाप है। और ये मैंने सूट से नाप लिया, इसमें कोई लूजिंग नहीं देंगे हम। 9 इंच मेरा रेडी है। अब इसमें 2 इंच मैं एक्स्ट्रा रखती हूँ। और मेरा जो चेस्ट है वो है राउंड 42, उसका चौथाई हो गया 10.5 इंच और 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया। अब जो है हिप का नाप, जिस नाप का मैं बना रही हूँ उसका है 16 इंच। ये आप हर किसी का अलग अलग होता है, आप उसका उसकी नीड के अकॉर्डिंग बड़ा ज़्यादा कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। 15 इंच भी ले, लेकिन मेरी, मैं जिनका सूट बना रही हूँ उनकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है इसलिए वो 16 इंच की उन्होंने हिप रखा है। हिप मेरा राउंड है 44 इंच, इसका चौथाई हो गया 11 इंच और 2 इंच मैंने ज़्यादा रखा है। अब मैं, आप स्केल की सहायता ले सकते हैं ये लाइंस ड्रॉ करने के लिए। ये जो है मेरी बाहर जो कटिंग की लाइन है।
अब ये जो बॉक्स है यहाँ पे आर्म होल की हमें कटिंग करनी है, ये ज़्यादातर जो फ्रंट की है हमने ऐसे आइडिया से हम लोग गुलाई देते हैं, लेकिन ये गुलाई थोड़ी परफेक्ट होनी चाहिए। ये हमारी फ्रंट की है, ध्यान रखें कपड़ा ना हिले। अब हमारी बैक की जो आर्म होल है, ये एक्सपीरियंस से गुलाई आपको अगर आप ट्राई करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगी। मैंने तो ऐसे ही आइडिया से लगाई है, ये ज़्यादातर हम बैक की 2 इंच और फ्रंट की आधा इंच से लीजिए। और ये जो है, अब हम जो हमारी यहाँ पे सीना लगानी है उसकी भी हम लोग कर लेते हैं। अब दोस्तों ये मेरी फ्रंट पल्ले की सारी ड्रेसिंग हो गई। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं जरूर करूंगी आपको। और एक बात आपने याद रखनी है, हमेशा जो बंद वाली साइड है वो अपनी तरफ आपने रखनी है और खुली वाली साइड दूसरी तरफ होनी चाहिए। और अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है फ्रंट पल्ले की। पहले हम जो है वो पीछे वाली काटेंगे और एक साथ काटनी है। इसमें जो आम और की दोस्तों, ये मेरी फ्रंट पल्ले की कटिंग हो गई है। अब हम करेंगे इसको बैक वाले पल्ले, हमारा आगे का कपड़ा है उसे हमने सीधा कर लेना है। जैसे हमने फ्रंट पल्ले की कटिंग की थी 13 13 इंच पे, जो हमारा था कटिंग 13 इंच पे, हमने ऐसे पूरे लास्ट तक मार्क कर लेना है। हमेशा कपड़े की उल्टी साइड पे ही ड्राफ्टिंग करें, जो मार्कर का जो निशान है वो बैक साइड पे हो। हमारा फ्रंट पल्ला है, हमने इसको इसके ऊपर रख लेना है। और ध्यान रखें ये कपड़ा बिल्कुल, अब देखिए दोस्तों जो मेरा फ्रंट वाला बॉर्डर है इस पे मैंने एक लेस लगानी है, इसलिए मैंने जितना था इसमें बॉर्डर से उतना पहले का लिया हुआ है। बैक साइड जो वो है मैंने 2.5 इंच रखनी है फोल्डिंग के लिए पीछे से। तो पहले हम इसको सीधा कर लेते हैं यहाँ से। अब इसको 2.5 2.5 इंच पे मैंने ऐसे, ये जो मेरा बैक की फोल्डिंग का है ऐसे मैंने सीधा मार्क कर लेना है। और फ्रंट पल्ला यहाँ से रेडी आता है मेरा, ये जो बॉर्डर है देख लेना है यहाँ पे, पूरा ऐसे परफेक्ट रख लीजिए। अब जो है मैंने अपनी तरफ से दोनों पल्लों को एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर सेट करके रख लेना है, कोई भी बल ना आए इसमें। और हम बैक पल्ले की कटिंग करेंगे। कपड़े की खान अच्छी तरह से निकाल लेनी है और ये जो हमारी डोलाई है ये पूरी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। दोस्तों ये हमारी दोनों पल्लों की कटिंग हो गई है। और एक हमने यहाँ पे आधा
लाइंस का निशान लगा के और जितना गला आपने चौड़ा रखना है, मेरा जो है मेरे नाप के अकॉर्डिंग गले की चौड़ाई 3 इंच है और मैंने आधा इंच जो है आर्म होल की तरफ से यहाँ पे तीरे की काट डाल देनी है। ये देखिए आपके गले की चौड़ाई जितनी है उतनी लेनी है, मेरी 3 इंच है और आधा इंच इस तरीके से हमने फ्रंट और बैक दोनों इकट्ठे रखे हुए हैं, ऐसे हमने कट कर लेने हैं। और अब अपने दोनों फलों को अलग अलग करने से पहले यहाँ पे कट लगा लेने हैं, जैसे कि ये मैंने छाती का जो है और ये बैक पे यहाँ पे चारों पल्लों पे कट आना चाहिए और ये जो हमारा हिप का है हिप मैंने ऐसे कट लगा लिया है। अब दोनों पल्लों को हमने अलग अलग कर लेना है, ये बैक वाला फोल्ड कर लिया हमने और अब कटिंग कर लेनी है। ये देखिए जो हमने अगले पल्ले की लगाई थी ये मेरी होगी फ्रंट की कटिंग। और आप कटिंग करते वक्त ही दोस्तों ये मेरी बाजू की कटिंग, ये हमने ऐसे दो लेके ऐसे इस कपड़े को चाहते हैं कर लेना है और जो बंद वाली साइड है दोनों दूसरी तरफ और ये खुली वाली साइड मेरी तरफ है। अब हमने आर्म होल 7 इंच लिया था रेडी, ठीक है ये मैंने 7 इंच पे लगा ली और अब हम यहाँ से 2.5 इंच लेंगे, ये मैंने 2.5 इंच पे ऐसे बॉक्स बना लिया। यहाँ पे मेरी रेडी जो है बाजू वो मैंने कोहनी तक बाजू बनानी है और मेरी कोहनी से जो है 14 तक कोहनी तक लंबाई है 14 इंच और तैयार जो है वो 5.5 इंच। अब मैंने यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है, अब हम यहाँ से भी 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। ये हमारी 7 इंच आर्म होल और 2.5 इंच यहाँ से हमने कटिंग के लिए और 2.5 इंच एक्स्ट्रा। अब जो कटिंग हमारी यहाँ से होगी ये हमारी कटिंग की है, ये यहाँ से हमारा रेडी आएगी ये। अब हमने आर्म होल की गोलाई डालनी है, ये हम यहाँ से 2 इंच यहाँ से हम लेंगे और यहाँ तक गोलाई डालेंगे। ये आप प्रैक्टिस से आपकी जो है क्लीन हो जाएगी। ये मेरी होगी बैक की गोलाई और अब हमने फ्रंट की यहाँ से हमारा 7 इंच जो तैयार है वहाँ से हमने ये 1/2 इंच लेनी होती है, यहाँ से 1/4 इंच 1/2 इंच ले सकते हैं आप और गोलाई यहाँ से ऐसे। ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी भी क्लीन हो जाएगी। ये हमारी बैक की है, ये हमारी फ्रंट की है, ये हमारी बैक की है। ये देखिए चारों पल्ले जो हैं बैक के इकट्ठे काट लेने हैं हमने या 2 इंच आगे सीधा। आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अब हमने यहाँ से सेंटर का एक कट लगा लेना है, तो हमने 2 उठाने हैं, 2 जो नीचे वाले वो रहने देने हैं, ये 2 ऊपर वाले उठा के ध्यान रखे आप ये 2 ही लें। तो यहाँ हमारा जो तैयार नाप है यहाँ से हमने आगे की काट डालनी है, आगे के 2 बाजू की ये हमने काट, या प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी भी ये काट क्लीन हो जाएगी। ये हमने 1/2 इंच जो है वो 2 पल्लों में आगे की काट डाल ली है और ये दोस्तों होगी हमारी बाजू की कटिंग। मेरी बाजू की लेंथ 14 इंच थी, आपने अपनी नीड के अकॉर्डिंग रख लेनी है जितनी आपकी बाजू की लेंथ होगी। और दोस्तों इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न है तो
आप मुझे कमेंट करिए, ये आम होल आपका परफेक्ट आ जाएगा। यहाँ से अगर आप सीन लगाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आएगी आपकी ये बाजू की फिटिंग। ओके दोस्त।